बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त लंदन में 3 बजे हैं और जो मेरे मेहमान हैं आज वो वाशिंगटन से हैं, इसलिए मैंने उनको तकलीफ दी है। तो वहाँ तो इस क्वाइटी में इवनिंग का टाइम है, रात का टाइम होगा। तो जनाब, मैं अपने मेहमान संगे हसन सरिंग साहब को वेलकम करता हूँ। ज़्यादा तारा तो अपना खुद कराएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद बातें, मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा भी हक बनता है कि उनके बारे में कुछ कहूँ। संगे साहब को मैंने बड़ा ये देखा कि जो भी इनका मौक़िफ़ है आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मौक़िफ़ है उनका वो बड़ी बहादुरी से, दिलेरी से और किसी इबाम के बगैर वो बयान करते हैं। वो ये नहीं देखते कि सुनने वाले को इज नॉट इट डजंट प्ले टू द गैलरी, वो नहीं, वो कहते हैं कि मैंने जो कहना वो मैंने कहना, दीज आर माई व्यूज एंड इट डजंट मींस द वर्ड्स। तो इस तरह से आपको उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि संगे साहब ने इबाम रखा, वो ये नहीं करते। और फिर ये भी है कि मैं इस तरह से दूर ये कहूँगा कि जो मेरी ओपिनियन है इनके बारे में यह है कि इज़ वेरी ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और फिर यह कि इज़ वेरी वेल कनेक्टेड इन वेरियस प्लेसेस एंड इज रनिंग अ थिंक टैंक टू प्रमोट हिज कॉज। तो संगे हसन सरिंग साहब, आई वंस अगेन वेलकम यू टू माई जो शो है मेरा, इसका नाम है माई वॉइस। ये आपकी भी वॉइस है, मेरी भी वॉइस है। और अगर मज़ीद आप अपने जो इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि हु यू आर एंड व्हाट यू डू। और ये बेसिकली यह है कि इनका तलक मेरे गिलगित बल्तिस्तान से है, उनका भी बल्तिस्तान है लेकिन मेरा भी है, उसका मेरा भी आके है। तो फ्लोर इज योर सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया है, और जिस तरह आपने अभी फरमाया कि हम पिछले कई सालों से, 10 साल से ज़्यादा अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और लेकिन उससे पहले भी हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, और आपकी रहनुमाई में हमने बहुत काम किया है, आपसे सीखने का बड़ा मौका मिला है, आप एक इल्म का ज़खीरा हैं, एक इल्म का ख़जाना है जम्मू कश्मीर के बारे में, और आपने इतनी किताबें लिखी हैं और मैं आपकी किताबें पढ़कर सीखता हूं, तो ये तो आपकी बहुत बड़ा जो है ना पन है कि आपने ये आगे से मेरे बारे में कुछ तारीफ़ की। मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, मेरी पैदाइश ज़िला शिगर से है, और मैं पिछले तकरीबन 8-10 साल से अमरीका में मुक़ीम हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा NGO चलाता हूँ, और यहाँ अमेरिका में जो मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स हैं उनके साथ हमारा राबता रहता है और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि अमेरिका में कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान और उनके माबेन जो तनाज़ात थे उसको यहाँ पर कोल्ड वॉर के तनाजुर में देखा जाता था, तो उसको एक रिफ़्रेश करने की, रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत से जो ममालिक हैं उनके आपस में जो अलाइंसेस हैं, इत्तेहाद हैं और ताल्लुकात हैं वो बदलते रहते हैं। ज़ाहिर है किसी ज़माने में चीन और अमेरिका बहुत करीब थे, आज अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में भी अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के जो सेंटो और सीएटो के जो पैक्ट हुए थे, बगदाद पैक्ट, और उस ज़माने में जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बने थे, और उसके बाद अफगान जहाद और इस तरह के दूसरे हालात में से गुज़रते हुए हालात ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि आज पाकिस्तान और अमेरिका के उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इन तनाज़ों में फिर जम्मू कश्मीर का इशू हो गया, या शिनजियांग का इशू हो गया, तिब्बत का हो गया, और टेररिज्म के इशू हो गए, और पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात हो गए, सी पैक हो गए, ये वो इश्यूज़ हैं, हमारे लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, एथनिक और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इश्यूज़ हैं हमारे, इनके बारे में फिर हम यहाँ पर जो है ना तबादला ख्याल करते हैं, मालूमात देते हैं, और यहाँ अमरीका में लोगों को समझने का मौका देते हैं कि बदलते हुए हालात में गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत किस तरह बढ़ रही है, और उससे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, या उनके आपस में जो आपस में रंजिशें होती हैं या आपस में तनाज़ात होते हैं उसकी वजह से मकामी लोगों को क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
तो इस चक्कर में हम लोग जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप लोगों के साथ भी काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी जाते हैं, तो इस तरह का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। और हमारी यही कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंडिया के साथ कानूनी जो उनके रिश्ते हैं। इसमें मैं आपसे जी बात करता हूँ। आप मुझे ये तो पता है क्या है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बड़े एक्टिव भी हैं और वेल कनेक्टेड हैं। मुझे जो मुझे ये नहीं कि आप जो अमेरिकन थिंक टैंक से आपके रबते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क में थिंक टैंक हैं उनके साथ भी आपके रवाबत हैं और आपके आर्टिकल्स भी मुख्तलिफ जगहों में अपीयर होते रहते हैं। उसमें ये नहीं है कि पता नहीं आपने मुझसे सीखा होगा या नहीं, लेकिन मैंने आपकी तारीफों को पढ़ा सीखा, मैंने भी आपको जो क्रेडिट बहुत बहुत कोर्स। शुक्रिया आपका, ज़रा नवाजी मैं आपकी। आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्सा हैं, ठीक है जी। उस सेंस में आए यानी हम वतन हैं हम लोग, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरे नाज़रीन जो है वो जानना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का जो ताल्लुक है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो लद्दाख के साथ रहा है। ख़ासतौर पर बल्तिस्तान, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, हम तो नस्ली तौर पर, ज़बान के तौर पर और सकाफत के तौर पर लद्दाख का ही हिस्सा हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जब तख्लीक हुई थी तो उस जम्मू सूबा जो था उसमें एक ज़िला बनाया गया जिसको वजारत लद्दाख कहा गया। तो उसमें बल्तिस्तान जो थी उसको तहसील का दर्जा मिला लद्दाख का। स्कर्दू जो था वो सरमाई विंटर कैपिटल था लद्दाख का। 6 महीने के लिए लद्दाख की जो वजारत थी उसका दफ्तर स्कर्दू में होता था और 6 महीने के लिए लेह में होता था। और लेह, करगिल और स्कर्दू के नाम से 3 तहसीलें बनाई गई थी। तो उस ज़माने में तो आबादी बहुत कम थी, यानी कि 1940 के पेड़े में भी पूरे गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख की आबादी 2.5 लाख, 2.75 लाख से ज़्यादा तो नहीं थी, छोटा सा इलाका था। तो गिलगित का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया और हमारा लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो इस तनाजुर में हमारा जो रिश्ता है, कानूनी रिश्ता जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमारा लद्दाख के साथ बनता है। बाद में फिर आपको पता है कि आखिरी चंद हफ्तों में सूबा बना दिया गया नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से। तो फिर सकाफती हमारा रिश्ता है लद्दाख के साथ, हमारी ज़बान, हमारी नस्ल, हज़ारों साल पर जो मुहित एक टिबेटन एम्पायर थी उसका हम हिस्सा थे, तो हम सब जो है ना एक ही ज़बान बोलते हैं। खाना पीना, रहन सहन, एग्रीकल्चर के जो हमारे ज़रात के जो वो तौर तरीके हैं, वो सब मिलते हैं। तो उस तनाजुर में अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारा जो मौक़फ़ है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, वो हमेशा पुंछ के लोगों से या जम्मू के लोगों से या श्रीनगर के लोगों से मुख्तलिफ रहा है। हम तो ये कहते रहे हैं कि जी हम इस बात को यकीनी तौर पे मानते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। 1947 में महाराजा जो थे वो हमारे हुक्मरान थे, कानूनी हुक्मरान थे, जायज़ हुक्मरान थे। ये सारी की सारी ज़मीन उनकी थी और उन्होंने एक आइनी तौर तरीके से इंडिया के साथ इलहाक किया। और ये इलहाक जो था, ये कोई यानी कोई एब्रप्ट किस्म का, कोई आर्बिट्री किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं था। ये तो पूरा का पूरा एक आइनी तरीक़ाकार वज़ा किया गया मलका बरतानिया के निज़ाम के तहत, जिसके तहत उन्होंने इंडिया के साथ इलहाक किया। और रियासत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त तक हम रियासत जम्मू कश्मीर के इंटीग्रल पार्ट थे। फिर 5 अगस्त को इंडिया के जो आइन है उसमें तरमीम करके आर्टिकल 370 को हटाया गया और 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। और आज हम जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हैं। तो मेरे नज़दीक तो हम जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे और आज हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हैं। और उस हिसाब से हम कानूनी तौर पर भारतीय शहरी हैं, कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर के शहरी थे और आज कानूनी तौर पर यूनियन टेरिटरी के शहरी हैं। तो ये बड़ा मौक़िफ़ जो एक रहा है मेरा कि हिंदुस्तान के साथ चूंकि हमारा ताल्लुक़ आइनी व कानूनी तौर पर हतमी है, प्रोविजनल नहीं है, किसी भी कानूनी दस्तावेज से ये साबित नहीं होता है कि ये कोई प्रोविजनल रिलेशनशिप है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि ये जो लद्दाख के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनकी सकाफत को, उनके वसाइल को और उनकी तर्ज तमद्दुन और तौर तरीकों को सप्रेस रखा गया था जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में,
वो उससे अलग होना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उनकी, उनको मिले, और उस तनाजुर में वो बहुत अरसे से उसका डिमांड कर रहे थे। तो चूंकि मैं अपनी नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी लद्दाख के साथ देखता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो 5 अगस्त का फैसला हुआ है, जिसके बाद लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बन गई है, उसमें उन लोगों को फलने फूलने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, उनको अपने तौर तरीकों पर जीने का एक हक हासिल हो गया है, और उससे अगर मुस्तकबिल में गिलगित बल्तिस्तान का उनके साथ इत्तेहाद हो जाता है, तभी इस इत्तेहाद फिजिकल इंटीग्रेशन होता है, तो हमें भी उससे यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं बिल्कुल फुली सपोर्ट करता हूँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सलूट करता हूँ, क्योंकि ये इतना बहादुरी का काम है कि आज से पहले जितने भी वुजराए आजम थे भारत के, वो इसकी हिम्मत नहीं कर सके थे। हालांकि कानूनी तौर पे वो इसको किसी ना किसी तरीके से वो इस पर कदम उठा सकते थे, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतने बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते थे, और इन्होंने ऐसा किया जिसके बाद से लद्दाख को एक नई रूह मिली है, नई शनाख्त मिली है, तो बड़ा अच्छा किया है उन्होंने। देखिए, जहाँ तक ये ना कि आपकी सकाफत का तलक है, कल्चर का तलक है, जुबान है, दूसरी चीजें हैं जिससे आपने अपनी दिखाई भी लद्दाख, उसको तो हम वेलकम करते हैं। क्योंकि हर अपने इलाके का एक होता है, अपना एक तमदन होता है, जुबान होती है, हम उसकी 100% और रिलीजियस उनके अपनी होती हैं वैल्यू, तो हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन हम लद्दाख को भी, और जाहिर है कि बल्तिस्तान को भी उस तनाजे में देखें कि ये हमारी रियासत का एक हिस्सा थे, जैसे कि आपने इतराफ़ किया, और जिस तरीके से इसको बदला गया, उसे जो तरीकाकार किया गया है, हमें उस पर एतराज़ है कि ये अब जो इलाका है वो भी हम, ठीक है, हम कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो है ना वो एक जायज रूलर था, ठीक है, और बानी जो थे वो भी उस पर कुर्सी को कोई इतराफ़ नहीं है, रियासत के बानी को, पूरे इलाक का जो ऑप्शन था उन्होंने शायद ना लेते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा रुख अख्तियार किया तो उनको इंडिया से मदद लेनी पड़ी। वो तारीख में मैं नहीं जाऊँगा, मैं इलाक पर वो प्रोविजनल किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि लोग कहते हैं किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने किया है, कोई एक प्रोसीजर था, ले आउट किया गया था, ऐसे ऐसे करना है, उन्होंने फिर रियासत की जो स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया। तो ये आपको इससे इस पर इतराज़ नहीं कि रियासत का वजूद खत्म हो गया, जिस रियासत के साथ आप मुंसलिक रहे इतना अरसा, तो आप उस रियासत के अंदर रह कर भी जो है ना आपने नहीं, शनाखत भी लड़ सकते। नहीं, उसमें ये होता है ना डॉक्टर साहब, कि चूंकि सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनको ये इख्तियार था इंडिया पाकिस्तान के साथ इलाहाक का, तो कानूनी तौर पे जो मालिक होता है वो जब इलाहाक कर लेता है, तो जिस दिन वो इलाहाक के कागजात पर दस्तखत कर लेता है, उसके बाद फिर उसकी सॉवरेंटी ख़त्म हो जाती है, उसकी मुदाखलत ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसलन आपके घर है, आबाई घर है, 4 जनरेशन से आपके ख़ानदान में मौजूद है, आपके साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन कल को ऐसे हालात आ जाएं कि आपको घर बेचना पड़े, तो जिस दिन आपने वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर और कानूनी कागजात पर दस्तखत कर दिए, उससे पैसे आपने ले लिए, उससे 1 सेकेंड के बाद आपको कोई इख्तियार नहीं है कि वो आगे से उसके अंदर एक कमरा तोड़ दे, 4 कमरे बढ़ा दे, वो उसके अंदर गार्डन ख़त्म कर दे, वो उसकी मर्जी है। आप मेरी बात ख़त्म होने दीजिए। इंडिया के साथ जब इलाक हो गया, उसके बाद उसकी मर्जी है कि जिस तरह उसने आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया, आसाम के उसने 60 टुकड़े कर दिए, नागालैंड बना दिया, मिजोरम बना दिया, मणिपुर बना दिया, 7 रियासतें बन गई उसकी, अरुणाचल को अलग कर दिया, पंजाब के उसने 3 टुकड़े कर दिए, हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, चंडीगढ़ बना दिया, ठीक है जी। अभी वो बातें कर रहे हैं कि हम तमिलनाडु को भी तोड़ेंगे क्योंकि उसकी आबादी बढ़ गई है। इंडिया को पूरे अख्तियार हासिल है कि वो जम्मू कश्मीर के 6 टुकड़े करे, एज लॉन्ग एज के वो अपने आइन के तकाजे पूरे करते हुए करें। ये जो आपकी रियासत की तकसीम हुई है, ये मुकम्मल तौर पर आइनी तकाजों से हुई है, और आप अगर उस जमाने के आर्टिकल पढ़ें कि जो हालात थे, जिन हालात में हुकूमत तोड़ी गई, गवर्नर राज नाफिज हुआ, उसके बाद जब आपकी लेजिस्लेटिव असम्बली या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ख़त्म होगी, लेजिस्लेटिव असम्बली आपकी मुअत्तल हो गई, उसके बाद कानूनी तौर पर इंडिया के आइन के हिसाब से इख्तियारात जो हैं वो दिल्ली में पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं,
और दिल्ली की पार्लियामेंट दो तिहाई अक्सरियत से जो काम करती है वो अपने आईन के तकाजे पूरे करते हुए करती है। इसमें कोई भी काम आर्बिट्री नहीं है, कोई भी काम बदमाशी का नहीं है, एक पर्सन भी काम इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको वो पूरा कानून पढ़ना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि फला फला हालात में, मसलन देखें ना, आपका प्रेसिडेंट है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, तो उसमें आईन में लिखा हुआ है कि जिन दिनों मुल्क से बाहर होगा चेयरमैन सेनेट जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, तो चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट के हिसाब से जो आगे से स्टेप लेता है वो आईनी स्टेप होते हैं। अब आप बिल्कुल कहेंगे कि चूंकि प्रेसिडेंट वापस आ गया है उसको आपको जो है ना, यानी कहने का मकसद है कि हर चीज में आईन में बाकायदा तौर पर कुशन होते हैं, गुंजाइश होती है, और उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। आपने मकान की मिसाल दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो वाद विवाद उसमें तीन सब्जेक्ट जो थे उनको हुआ था नहीं जनाब, क्या था ये आप लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। 565 जो रियासतें थीं, हर रियासत के वली वाली को, नवाब को, मीर को, जो इल्हाक का कागज़ मलका बरतानिया की तरफ से पहुंचा, उस सब का टेम्पलेट एक था। ये नहीं होता कि जी एक स्कूल में छठी जमात में बच्चे बैठे हों, मैथ का पेपर दे रहे हों, तो किसी के पास कोई क्वेश्चनियर हो, किसी के पास कोई हो, किसी के पास कोई, ऐसा नहीं होता है। इन सब के पास एक ही टेम्पलेट था। मेरी बात सुने ना, खत्म होने दें, आपने सवाल किया, अब मेरा हक बनता है मैं जवाब दूं। चार चीजें हैं जो मालिक को या रूलर को लिखने की इजाजत थी, उसके अलावा और किसी चीज में उसको कोई भी आगे से मजीद शरायत रखने की इजाजत नहीं थी। अपना नाम, उस रियासत के साथ उसका ताल्लुक क्या है, नीचे किस दिन वो कर रहा है वो दस्तखत, अपने दस्तखत, और जिस दिन वो कर रहा है वो तारीख, इन चार चीज़ों के अलावा किसी भी वाली या रियासत को मजीद एक लाइन लिखने की इजाज़त नहीं थी लेटर ऑफ एक्सेशन में। हरी सिंह को भी इजाज़त नहीं थी, उसने भी वही चार चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि वो जुलाई या अगस्त में इलहाक नहीं कर सका, इसलिए उसने अक्टूबर लिख दिया काट कर, नीचे अपने दस्तखत किए, अपना नाम लिखा, और उसके साथ उसने लिखा कि मेरी जो है ना कानूनी हैसियत क्या है, कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर व तिब्बत है वो सारा जो है ना उसका मालिक हूँ। ये चार चीज़ें लिखी हैं, बाकी पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है वही है जो बाकी रियासतों के वालियों को मिला है। किसी भी रियासत के वाली को मलका बरतानिया की तरफ से ये नहीं था कि जी आप वहाँ जाकर जो है ना सिर्फ वजारत खारजा या वजारत दिफा देंगे, ये जो लेटर ऑफ एक्सेशन जब सबके हैं ये फाइनल हैं, और महाराजा हरी सिंह कोई अलग से यानी खास आदमी तो नहीं था, वो तो एक प्रिंसली स्टेट का वाली था, तो सबके साथ जो सलूक हुआ है वो उसके साथ हुआ है, और सबके इलहाक के जो शरायत हैं वो उसी ने पूरे किए हैं, और उस हिसाब से कोई चीज प्रोविजनल नहीं है। जो ये बात आती है कि ये तो इंडियन जो हैं सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कहते हैं कि तीन सब्जेक्ट्स पर हुआ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन लोग कह रहे हैं, और इसकी वो बात की अपने वो अपने आईन के तहत कह रहे हैं, लेटर ऑफ एक्सेशन का या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब मैं आपके साथ एक्सीड कर जाऊं, एक्सीड करने के बाद आपकी पार्लियामेंट जो है मुल्क की पार्लियामेंट वो मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे अपने आईन के तहत, आर्टिकल 370 उनके आईन का हिस्सा है, ये मलका बरतानिया के कानून का हिस्सा तो नहीं है। तो जब उन्होंने अपने आईन के तहत आपको तीन प्रोविजंस दिए, तो फिर उसी आईन को तब्दील करके उन्होंने वो प्रोविजन वापस ले ली, उसमें उतनी बड़ी बहाम की क्या बात है? उसमें प्रोसीजर ये था ना कि जो आप कह रहे थे हालात में पैदा हो गए थे, हालात को हमने तो नहीं पैदा किए थे ना। देखिए ना, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम हो गई, कल को वो 19वीं तरमीम करके 18वीं तरमीम की सारी जो सहूलतें खत्म कर दें दो तिहाई अक्सरियत से, तो इसमें इबहाम की क्या बात है? कोई चीज आपको दे दी सूबों को, अगले दिन सूबों से वापस ले ली। ये नेहरू ने जो पार्लियामेंट के जरिए किया है ये उनका इंटरनल इशू है। आप और मैं इस वक्त ये बहस कर रहे हैं कि सॉवरेंटी का इशू लेटर ऑफ एक्सेशन के बाद सॉवरेंटी का इशू नहीं रहा, इंडिया मुकम्मल सॉवरन हो गया। उसके बाद नेहरू ने उसके एक प्रोविजन दी अपने आईन के तहत कि हम आपको इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे, और इंडियन पार्लियामेंट में जो कानून पास होंगे उसके लिए आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी मंजूरी की जरूरत होगी कश्मीर में।
और अच्छा, यहाँ पे एक मिनट रुके ना, जो बाकी रियासतें थी क्या उनको भी ये अख्तियार दिया गया था कि जो आपकी जो असम्बली होगी तो उसको उसको अख्तियार होगा, या वो क्या दूसरी रियासतों में भी वजीर आजम था या प्रेसिडेंट था? तो ये सारी चीजें साबित ये करती हैं कि जम्मू कश्मीर एट अ स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल प्रिविलेजेस, जनाब, स्पेशल स्टेटस विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो यह जाहिर है, जाहिर है। हाँ, तो जब जाहिर है तो कल को दो तिहाई अक्सरियत से वो सारी की सारी स्पेशल स्टेटस खत्म हो सकती है ना। इश्यू देखिए ना, जैसा बहस का इश्यू ये है कि क्या इंडिया एक कंटेस्टेड सॉवरेंटी के तहत ये कर रहा है। अगर तो इंडिया को सॉवरेंटी हासिल ना हो गिलगित बल्तिस्तान पे, जैसे कि पाकिस्तान को हासिल नहीं है जम्मू कश्मीर पे, सॉवरेंटी हासिल ना हो, और सॉवरेंटी ना होने के बाद वो ये काम करे, तब आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने गलत किया है। इंडिया को सॉवरेंटी मिली है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और लेटर ऑफ एक्सेशन से। उसके बाद इंटरनली उन्होंने हर रियासत को अलग अलग सहूलतें दी। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ मणिपुर वगैरह की। मणिपुर में आज भी जब वो वहां पे माइनिंग करेंगे तो उनकी लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो है ना मंजूरी चाहिए होती है, जबकि आपको जो है ना आंध्र प्रदेश में शायद उसकी जरूरत ना हो। हिमाचल में आज भी स्टेट सब्जेक्ट रूल है उनके आइन के तहत, जिसमें मैंने बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। ठीक पढ़ा, है, मैंने पढ़ा, मैं समझ गया बात, चूंकि आर्टिकल 370, 371, 372, 373, 374 से लेकर ऑल द वे जो है ना आर्टिकल 380 सम तक, ये स्पेशल प्रोविजंस इंडिया के आइन के हैं। कल को अगर वो दो तिहाई अक्सरियत से हिमाचल प्रदेश का स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दें, तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उन्होंने ये क्यों किया है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट ने कानून को इस्तेमाल करते हुए खत्म किया है। आपका दिल उससे नाराज हो जाए वो एक अलग इशू है, हर आदमी खुश नहीं हो सकता है, लेकिन नाजायज या गैर कानूनी कोई भी काम नहीं हुआ है। चलो आपका व्यू आ गया, और ये जो डिस्कस इस पर करने में और आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, और जो कि इस तरह की डिबेट में हम आल नहीं कर सकते, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है इसका, ठीक है, और मेरी भी स्टडी है इसमें, और मेरी जो नई किताब आ रही है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, सो सो एंड सो रियासतों में ये फर्क है या स्पेशल स्टेटस है, मैंने उसका जिक्र भी किया नई किताब में जो वेरी गुड चंद हफ्तों में आ जी। जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम वो मिसाइल ये जा रहे हैं कि इवन एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स भी डिसएग्री करते हैं, किसी चीज़ पर एग्री करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था, दूसरे लफ्ज़ में आप जो स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया गया, यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट? I'm very satisfied with that. I'm part of Ladakh. My identity is with Ladakh, and I think this should have been done a long time ago. ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये तो अभी हुआ, पिछले साल स्टेट रूल को खत्म किया गया, उससे पहले आप सिटीजन ऑफ रियासत जम्मू कश्मीर थे, और बिल्कुल थे। जो भी कुछ कोई आपको डिनाइबल ऑफ राइट था, आपको गिलगित बल्तिस्तान में और मुझे एपीओ जेके में जिसमें हम मैं मेंबर का रहने वाला हूँ, या सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कह लें, अच्छा तो वहां पर जो डिनाइल ऑफ राइट था तो टेक्निकली लीगली वी वर ऑल्सो इंडियन सिटीजन, अगर इराक सारी रियासत का हुआ था ना, तो जी हम जी तो अगर डिनाइल ऑफ राइट 18 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को जब ये प्रोमलगेट हुआ ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उससे जो जो रियासतों की शक्लें थी उस शक्ल के हिसाब से फैसले हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 तक आई वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मैं गिलगित बल्तिस्तान के उन लोगों की तरह, मेरा सवाल उधर जाएगा जी, सवाल तो बीजू कर नहीं दिया ना आपने, मैं हाँ कह रहा था, तो मैं सवाल ये कर रहा था कि जो प्रॉब्लम आपको हुए या मुझे हुए या अभी लोगों को हो रहे हैं, उसका जी रिस्पॉन्सिबल कौन है? यानी इफ वी वर इंडियन सिटीजंस, वाज इट नॉट इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम जी आउट एंड हेल्प अस? जी तो यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को कहा कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑनर एंड एसेट ऑफ द इंटायर स्टेट, एवरी इनहेबिटेंट ऑफ स्टेट। ये यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी लगाई है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में ये इंडिया को इजाजत है कि वो अपनी जो फौजें हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर में रख सकते हैं। पाकिस्तान को कहा आप अग्रेसर हैं, आप मुकम्मल विड्रॉ करें। इंडिया को कहा कि आपका मकसद है, आपका काम है यहाँ के लोगों की हकूक, उनकी जान व माल, उनकी इज्जत और नामूस का तहफ्फुज़ करना। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने बहुत बड़ा जुर्म किया पाकिस्तान को कब्जा रखने की इजाज़त देकर,
क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है बहैसियत शहरी के कि आप हमें पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाते और हमें वही हुकूक देते जो इंडिया के दूसरे शहरियों को हासिल हैं। तो इंडिया जो है ना वो एक क्रिमिनल नेगलिजेंस उसने जो है ना किया है ये पिछले 60-70 सालों में के। और देखे ना, रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला उसी वक्त होगा ना जब यहां से अग्रेसर निकलेगा। तो रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला ना होने में सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, इंडिया ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं। बिल्कुल सही बात क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हम जो है फंसे हुए हैं और पाकिस्तान के साथ उसने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो कोल्ड वॉर हो गई, सोवियत यूनियन और अमेरिका के मसाइल हो गए, जो भी हो गया वो तो खैर तारीफ में है, लेकिन उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी थी हमारे जो है ना इलाके की तहफुज करने की, वो उसने तहफुज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल, वो तो ठीक है कि यहाँ पर वी एग्री ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी उसी जी आगे बात ये आती है कि सिर्फ ये नहीं है, देखिए जो मोदी गवर्नमेंट ने किया जो 5 अगस्त को, उसमें एक बात ये भी की थी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन जो उस वक्त थी, प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस वजह से टेररिज्म हो रही है। अब टेररिज्म को रोकना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट का काम होता है हमें तहफ़ देना। टेररिस्ट जो है वो वहां पर उग नहीं रहे, बाहर से आ रहे, तो गवर्नमेंट जो थी उस गवर्नमेंट का काम था, यानी इंडिया का काम था, न्यू दिल्ली का काम था कि वो टेररिज्म को रोके, वो जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको बंद करे, और जो भी गड़बड़ कर रहे थे उनको पकड़ कर सजा दे। अब यानी यहाँ पर लाइफ लिबर्टी वाला तो मसला ही रहेगा, सिक्योरिटी देने तो दूर की बात थी, बिल्कुल उल्टा मारा गया लोगों को। माफी चाहता हूँ, आपका सवाल क्या है, मैं समझा नहीं। सवाल यह है कि इसमें जब वो कहते हैं कि यहाँ पर टेररिज्म हो रही थी, और एक वजह यह भी थी खत्म करने की, ये टेररिज्म हो रही थी और एम्बेजलमेंट हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, तो टेररिज्म को खत्म करने की तैयारी किसकी थी, इंडिया की थी, हमारी तो नहीं। हाँ, तो इंडिया ने ये खत्म किया ना, इंडिया की जिम्मेदारी थी, उसको पता, ऐसा महसूस हुआ। देखे ना, आर्टिकल 370 ने कश्मीर की हुकूमत को कुछ वीटो पावर दे दिए थे। वो वीटो पावर ऐसे थे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में मुकम्मल तौर पे दिल्ली की मर्जी शामिल नहीं होती थी। दिल्ली जिस तरीके से कोई पॉलिसी मुरतब करना चाहता था, उस किस्म का ताबुन जो है वो श्रीनगर से नहीं मिलता था। चूंकि इंडिया के आईन में लिखा था कि आपने इंटरनल ऑटोनॉमी देनी है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने ऑटोनॉमी देनी है और हर काम के लिए जो है ना मंजूरी लेनी है श्रीनगर से, तो उस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए मसाइल हो रहे थे। तो अगर उन्होंने ये सोचा कि एक तरीके से मुफ्ती फैमिली को या अब्दुल्ला फैमिली को वीटो पावर है और वो उसको जो है ना उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें एक टेररिज्म का एक हल्का सा जो है ना एक हल्की आंच के ऊपर चलती रहे, क्योंकि जो हुक्मरान थे उनका इसमें फायदा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी है चलती रहे, क्योंकि उसके बगैर उनकी अहमियत जो थी दिल्ली के लिए इतनी ज़्यादा वो अहमियत शायद वो ना महसूस करते। हर इंसान जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, इंडिविजुअल होता है, वो ये देखते हैं कि हम अपना लेवरेज कैसे बढ़ाएं। तो ये जो कश्मीर के रूलर्स हैं श्रीनगर में, ये अपना लेवरेज किस तरीके से बढ़ाते हैं, या मुजफ्फरबाद के रूलर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना लेवरेज कैसे बढ़ाते हैं, ये गिलगित वाले कैसे बढ़ाते हैं, बलूचिस्तान वाले कैसे, ये हर एक अपने तरीके होते हैं। तो श्रीनगर वाले जो थे उनको इसमें फायदा महसूस हुआ कि दिल्ली हम पे डिपेंडेंट रहेगा एज लॉन्ग एज ये सिस्टम चलता रहे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का। क्यों? क्योंकि हमारे बगैर जो है वो दुनिया को ये नहीं बता सकेंगे कि जी यहां पर जो है ना हमारी सॉवरेंटी है। तो अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो फिर उसके बाद जो है ना हो सकता है दिल्ली वाले हमारे इस तरीके से नखरे ना उठाएं, वो वीटो पावर जो है जो नेहरू साहब ने दिया था उसको उन्होंने उसको खत्म किया, क्योंकि एक इम्पैस आ गया था, एक बहुत बड़ा एक स्टैग्नेशन आ गई थी कि जी ये कैसी अजीब सी बात है कि 300 400 500 हजार टोटल दहशतगर्द हैं और एक इतना बड़ा मुल्क है बिलियन लोगों का और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है दुनिया की चौथी बड़ी, और वो 500 लोगों को खत्म नहीं कर पा रहे। तो ये मकामी लोगों की मिली भगत थी, एक सिस्टम चला हुआ था
अली गिलानी जैसे लोग, हुरियत जैसे लोग, मुफ्ती की फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली, और इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है, ये इन्होंने एक ऐसा सिस्टम आपस में रियली वेल ऑयल्ड एक मशीनरी चलाई हुई थी जिसमें सबके काम चल रहे थे और फायदे हो रहे थे। एक बड़ी हल्की आंच के ऊपर काम चल रहा था जिसमें पाकिस्तान की आर्मी जस्टिफाई कर सके अपनी आवाम से कि हमें इतना बजट दो ताकि हम कश्मीर में ये चला सकें, वहां पे अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली वो जस्टिफाई कर सके, अली गिलानी और वो मौलवी उमर फारूक जस्टिफाई कर सके, यासीन मलिक जस्टिफाई कर सके। और ये सिस्टम जो है 30 40 50 साल से चल रहा था, और जब तक उस ढांचे को, उस मोल्ड को तोड़ा नहीं जाएगा, तो ये जो मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं इसके, उनकी जो एक तरीके से उन्होंने, जिस तरह नहीं होता आपके जिस्म के ऊपर मसलन जरासीम आ जाते हैं, आप फिर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद वो जो जरासीम है उनमें इम्यूनिटी आ जाती है, फिर वो दवाई उन पर असर नहीं करती है, फिर आपको नई दवाई लानी पड़ती है। तो ये मोल्ड तोड़ना जरूरी था, क्योंकि ये सारे लोगों ने गेम समझ ली थी कि हमने इंडिया को कैसे चलाना है, और ना तो हमने दहशतगर्दी को इतना बढ़ने देना है कि इंडिया मुकम्मल एक जंग पाकिस्तान से करे, और ना ही हमने इसको खत्म करना है। ये बड़ी अच्छी जो है ना इंडस्ट्री बनाई हुई थी उन्होंने। तो इसमें दिल्ली की जो ये एनालिसिस है, तजिया है, कि जब तक हम इस मोल्ड को नहीं तोड़ेंगे, इस ढांचे को नहीं तोड़ेंगे, इसके जो प्लेयर्स हैं इनका वीटो हम खत्म नहीं कर सकेंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप समझते हैं कि उस 5 अगस्त के एक्ट ने खत्म कर दिया जो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। चूंकि यूनियन टेरिटरी का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो दिल्ली से होता है, उसकी श्रीनगर से, या मसलन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उससे जो है ना किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तो ये अपनी मर्जी से दिल्ली से फैसले ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना इस इशू को आगे से टैकल करना है। मिलिटेंसी तो खैर खत्म नहीं हुई अभी, जिसको टेररिज्म कह रहे हैं, मिलिटेंसी कह रहे हैं, वो तो अभी भी जारी है, ठीक है। और फिर उससे बल्कि कुछ लोग ये और कह रहे हैं, वो जरूरी कि मैं उसे एग्री करूँ, वो कहते हैं कि उल्टा ये हुआ कि चाइनीज भी बीच में आ गए, लद्दाख में आ नहीं, गए। देखें, जो चीज 70 साल से चल रही हो वो 1 साल में तो नहीं खत्म होती ना डॉक्टर साहब। आपको भी अगर कोई, मुझे भी अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो, देखें ना, अगर मुझे लेट्स से टीबी हो, आपको पता है टीबी की दवाई को 9 महीने 10 महीने तक लेना पड़ता है। एक छोटी सी टीबी की दवाई जो है ना 10 महीने लेते हैं, तब कहीं जाके वो जरासी मुकम्मल मरते हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी जिस दिन उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया, अगले दिन जो है ना वो जन्नत कायम हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। चूंकि चूंकि ये जो पाकिस्तान की तरफ से अब शिद्दत आएगी, और शिद्दत आने के बाद फिर एक वक्त आएगा कि वो हार जाएंगे। पहले तो ये था ना कि एक स्टेटसको के साथ, एक नपी तुली स्कीम और साजिश के तहत दहशतगर्दी चल रही थी। अब जो है ना असल दहशतगर्दी है जिसका दिल्ली ने मुकाबला करना है, और अगले कुछ महीने, साल 2 साल 3 में इसको इन्होंने काबू करना है। तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 साल में तो जाहिर है खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात होगी आगे अभी भी। मसलन आजाद कश्मीर में वो कह रहे हैं जी हम अलबदर को ये करेंगे, लश्कर ए तैयबा ये करेंगे, जंगवी को ये करेंगे, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तान ने जाहिर है यहां से इंटेंसिटी बढ़ाई है, तो इसको कुछ अरसा तो लगेगा। चलो कागजी में आप जो है ना इसी के तो लद्दाख के आप समझते हैं कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख और आप उसका हिस्सा हैं, तो आप में समझते हैं कि आप यू आर इंडियन सिटीजन। लेकिन जो गिलगित नहीं नहीं बल्तिस्तान नहीं जो नहीं नहीं मैं माफी चाहता हूँ, हम तो इंडियन सिटीजन जनवरी 1950 से हैं, जिस दिन इंडिया का आइन बना था। मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के जो लोग हैं वो स्टिल दे आर अंडर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जी हाँ, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो भी ज़रा के पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ जी पर। हाँ, जी हाँ। तो फिर इन इलाकों का क्या बनेगा आपके नज़दीक, इन इलाकों के क्या मुस्तकबिल है, और इनको अगर आपने ये आप सुनते हैं कि इंडिया ने इसको यूनिफाई करना है, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन? देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये है ना कि अभी 1 साल 2 साल से इंडिया ने दुनिया में ये बताना शुरू कर दिया है कि हमारा गिलगित से और पीओके से ताल्लुक है क्या। अमेरिका में लोगों ने अब जाके समझना शुरू कर दिया है ये, तो यानी दुनिया वाले तो ये समझ बैठे थे कि एलओसी बॉर्डर बन गया है, गिलगित पाकिस्तान का सूबा बन गया है। ये तो एमा निकलसन जो है उसने अगर इतना वो काम ना किया होता, तो हर कोई ये सोच बैठा था ये पाकिस्तान का सूबा है, इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी की उस तरह तवज्जो जानी ही नहीं थी। तो अभी इंडिया को कुछ साल तो लगेंगे दुनिया में इस इशू को
आगे बढ़ाने में। बहुत से ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग, फ्रांस है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है P5 के जो मेंबर हैं, रशिया है फॉर इंस्टेंस, कि ये वाकई जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आज तक अभी अमेरिका ने नहीं कहा था कि ये डिस्प्यूटेड है। अगर आप कभी इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो अब इन्होंने गिलगित को डिस्प्यूटेड कहना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। ये बहुत बड़ी चेंज है गवर्नमेंट के लेवल पर। तो ये एक डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो एक सतह पर तो एक रास्ता इंडिया ने ये चुन लिया है। दूसरा रास्ता ये है कि इंटरनेशनली जो है ना स्ट्रेटिजिकली वो ऐसे अलाइंसेस डेवलप कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, जिसमें पाकिस्तान की या चाइना की जो मुदाखलत है सी पैक के नाम पर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्सपोज किया जा सके, और इसकी जो लाकानूनीत, गैर कानूनी जो उसके हैं मुहरकात, उनको आगे लाया जा सके, और इस तरह करते हुए दुनिया में एक एक जो है ना कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टेप लेना होता है। तो मेरे ख्याल में अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो अगस्त 5 तो अभी आई भी नहीं, यानी साल भी नहीं हुआ इस इशू को जन्म लिए, तो 70 साल के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, अभी आप और मैं हैं यहाँ पर, आपको पता है कि हमें विद इन पाकिस्तान कितनी मेहनत करनी पड़ती है कहने के लिए कि गिलगित जो है ना कश्मीर का हिस्सा है। आप खुद सोचें कि यानी एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल, यानी आपने पिछले 24 घंटे में जो कुछ लिखा बोला वो रात को लोग सो जाते हैं, सुबह भूल जाते हैं, और अगले दिन से फिर आपको जीरो से स्टार्ट लेना होता है, और 70 साल से ये हो रहा है। आप जितने मर्जी कानूनी शवाहिद सामने ले आए, मैं जितने मर्जी ले आऊं कि जी हम जो है ना महाराजा की रियासत का हिस्सा थे, तो लोग जो है वो अपने ज़ाती फवायद के हिसाब से या खौफ की वजह से या कुछ छोटा मोटा उनको मिलना होता है इस्लामाबाद से, उस वजह से वो ये देखते हैं कि यार मुझे आज क्या मिल रहा है, कश्मीर अगले 100 साल में जब सॉल्व होगा मैं आज के अपने मफादात हैं उनको क्यों कुर्बान करूं। तो इस वजह से ये जो इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल में इनके ऊपर कंसेंसस बिल्ड होने में टाइम थोड़ा लगेगा, और मेरे ख्याल लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम सही ट्रैक पर हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। एमा निक्सन के पीछे भी टीम थी जिसमें मैं भी शामिल था, जो कि कश्मीरी साहब थे उनकी भी टीम थी, तमीर साहब थे, एक टीम थी, छोटी सी टीम थी, और लेकिन जीत हमारी हुई थी क्योंकि हम सही रखते थे। देखें ना ये कितने स्मार्ट हैं पाकिस्तानी कि इन्होंने एमा निकलसन को, वो जो क्या था एम्बेसडर खालिद नाम था, क्या था उसका जी, क्या नाम था उसका, खालिद नाम था, खालिद, एमा निकलसन को वो लिखता है कि ये पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा नहीं है। गिलगित जाके वो कहते हैं हम आपको हुकूक नहीं देंगे चूंकि आप मुतनाजा हैं, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया हुआ है, गिलगित वालों को बेवकूफ बनाया हुआ है, AJK वालों को बेवकूफ बनाया हुआ है, इंडिया को बेवकूफ बना। पाकिस्तान ने इतने स्मार्टनेस के साथ इस इशू को इतने लंबे अरसे तक चलाया है, लेकिन आज जाके अगर आप अमरीका के ईवानों में, यूरोप के ईवानों में वही हरकतें पाकिस्तानी करें तो उनके ऊपर हंसते हैं लोग, वो कहते हैं आप जो है ना झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तब्दीली तो आई है किसी हद तक, आप लोगों की जो खिदमात हैं उसको हमें बहुत सराहना चाहिए, क्योंकि बड़े ही लंबे अरसे तक यूरोप में, अमेरिका में तो गिलगित का कोई था नहीं, तो वो जो सारा काम है आपने किया, शौकत साहब ने किया, राजा साहब ने किया, मुमताज़ साहब ने किया, और भी दूसरे बहुत से हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो आप लोगों की हम इन खिदमात को सराहते हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर दूसरी तरफ ये काम हो रहा है तो चाइना और पाकिस्तान भी तो कर रहे हैं ना, और चाइना भी दोबारा बोले, अगर एक तरफ ये काम हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी बड़े एक्टिवली, पाकिस्तान भी बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं जी जी, तो गिलगित बल्तिस्तान जो है जाहिर है कि उनके लिए इम्पोर्टेंस बढ़ गई है सी पैक की वजह से। और मुझे भी किसी ने, एक पाकिस्तानी भाई ने कहा था, उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो उसी साढ़े नाई लड़ना था, आजाद कश्मीर जो है ना आप ये जाने नहीं देंगे। तो मतलब ये कहने का है कि हमें अगर जो कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई वो कहते हैं जी आप लोग स्ट्रगल करें तो फिर हमारे साथ मिल जाएं। मैंने कभी फिर मसला ये कहने का भी, आप कहते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, ये आपकी इंडिया की टेरिटरी है तो गोलियाँ हम खाएं, तो फिर उसके बाद ये कहें कि आप मतलब आप करें आकर, तो मतलब ये कहने का मैं पूछ ये रहा हूँ आपसे कि फ्यूचर ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान एंड POK जो है जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, ये तो बड़ा उसे ऐसे अभी तक हम तो उसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। हाँ देखिए इसमें 3-4 मुख्तलिफ सिनेरियो है ना,
क्योंकि पॉलिटिक्स तो कोई वैक्यूम में तो नहीं की जाती है, खला में तो नहीं होती है, ये तो एक रियल लाइफ में होती है। रियल पॉलिटिक्स जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या नारे लगाए जाते हैं, क्या बातें बताई जाती हैं, वो एक अलग इशू है। रियल लाइफ में ये है कि पाकिस्तान को अगर कल को गिलगित को अबैंडन करना पड़ा तो पाकिस्तान यकीनन उसका पहला ऑप्शन ये होगा कि मैं कश्मीर इशू को अबैंडन कर दूं, लेकिन गिलगित हाथ से ना जाए क्योंकि चाइना के साथ रास्ता है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके यानी इन्वेस्टमेंट चाइना वहां कर रहा है गिलगित में, उसके बाद इतनी आसानी से इंडिया को वो लेने नहीं देगा। तो ये कोई ऐसी जमीन नहीं है जो किसी ने क्लेम कर दी और उसके हाथ में दे दी जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो यानी चाइना को आप छोड़िए जनाब, दियामिर के जो हमारे 8 कनाल की जमीन है जो कोहिस्तान ने खाई हुई है, पाकिस्तान हमें अपना जो है ना बड़ा वो अपना 8 लाख थोड़ा कह रहे हैं आपको, ये तो 8 लाख बहुत बहुत ज्यादा ले उन्होंने नहीं, मैं रीसेंट बात कर रहा हूं, वो जो कांडिया वैली है या कोली पैलेस है या ये मुख्तलिफ इलाके हैं हमारे, जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हिस्टोरिकल महाराजा के उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो पिछले भुट्टो के बाद से इन्होंने ये जो 8-10 कनाल मील की जमीन पे इंक्रोच किया है, सजन बंदा सजन और उसके आगे से थोड़े इलाके हैं, वो तक ये वापस यानी शराफत से नहीं कर रहे हैं। नहीं कर ठीक रहे। है, शंदूर का इलाका है वो हमें वापस नहीं दे रहे हैं, तो फिर इंडिया कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि जी चाइना और पाकिस्तान जो है ना 80,000 स्क्वायर किलोमीटर को वो प्लेट में रख के पेश करेंगे? ऐसा नहीं है। वो वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि ममालिक कमजोर हो जाते हैं, उनके हालात ऐसे हो जाते हैं। सोवियत यूनियन टूटेगा किसने सोचा था, यूगोस्लाविया टूटेगा किसने सोचा था, इराक टूट जाएगा किसने सोचा था, यानी कि मेरे नजदीक तो ऑलमोस्ट टूटा हुआ है क्योंकि कुर्दिस्तान में उनकी कोई अमलन जो है ना बगदाद की कोई वहां पे हुकूमत अब है नहीं। अच्छा, इसी तरह बहुत से और ममालिक बने हैं, 15-20 ममालिक बने हैं पिछले 20 साल में। ये हालात के हिसाब से ममालिक कमजोर हो जाते हैं, तो उसके आपको बाद फिर थोड़े इंतजार वो करना पड़ेगा, डिस इंटीग्रेशन का इंतजार करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद फिर वो जो है ना एक नए तरीके से निगोशिएट करते हैं। ये जो निगोशिएटिंग पावर है ये सारा उस पर डिपेंड करता है, अच्छा मैं पाकिस्तान की जो निगोशिएटिंग पावर है वो क्या होती है उस एक पर। सवाल करना चाहता था, जो अभी जी आपने कहा है कि अगर बुरा वक्त आया या अंडर प्रेशर आया पाकिस्तान, तो वो कहेंगे जी ठीक है मसला कश्मीर से दस्तबरदार होते हैं। वे इस ऊपर दे पिछले दिनों के एक बड़े सीनियर ये साबिक वजीरे खारजा ने ये कहा भी है कि मसला कश्मीर इज डेड नाउ, ठीक है जी। तो ये उस तरफ इंडिकेशन हो है कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भी अंदर से मिला हुआ है, तो ठीक है भाई हमें ना छेड़ो, जो हमारे पास है ये रहने दो, जो आपके पास है आप उसको रख लें। इस पर आप कुछ राय देंगे? देखिए, वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ जो अशरे हैं ना हमारे, तकसीम के बाद हर एक में इंडिया की पॉलिसी फ़र्क रही है। किसी ज़माने में आपको पता है इंडिया डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटिजिकली बहुत ही वीक कंट्री था, यानी वो इतना वीक था कि जो इलाके उसने जंग में पीओके से जीते थे वो भी वापस करने पड़ गए। हालांकि अगर आप ये देखें कि कोई मुल्क अगर ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनली पीओके मेरा है और मेरी इस पे सॉवरेंटी है और फिर वो जंग में जीत भी जाए और जीतने के बाद पाकिस्तान के 90,000 फौजी उसके कब्जे में भी हों और उसके बाद भी उसको 65 में 71 में जमीनें वापस देनी पड़े, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया में उसकी जो स्टैंडिंग थी बहुत वीक थी। फिर उस आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, पाकिस्तान के साथ इनकी जो डीलिंग है उनका लेवल डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि कश्मीर इशू डेड का ये मतलब है कि जो इंडिया की अब की जो गवर्नमेंट है 2020 की गवर्नमेंट है, ये आजकल के हालात में जो इंडिया की पॉलिटिकल या मिलिट्री माइट है, स्ट्रेटेजिक माइट, अभी देखा ना वो G7 का उसको मेंबरशिप भी मिल रही है, उसका जो लेवल है दुनिया में वो इलीट क्लब में चला गया है। तो अब वो इंडिया नहीं है जो बोलेगा कि हाँ हम LOC पे अग्री करेंगे। ये 1970s में 80s में यकीनन मुझे यानी आप कह सकते हैं कि उस जमाने में हो सकता अगर मैं होता तो मेरा एनालिसिस होता कि इंदिरा गांधी शायद जो है ना वो इसी पे बहुत खुश हो जाए कि इसको LOC पे फाइनल कर दो। हो सकता है 5% चांस हो के हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से या आवाम की वजह से वो ना माने और उसको जो है ना
बैक ट्रैक करना पड़े, लेकिन उस वक्त हो सकता है उनकी अपनी मुकम्मल ख्वाहिश हो कि हम एलओसी के ऊपर इस इशू को ख़त्म करें। आज का इंडिया एलओसी के ऊपर इशू ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वैली की आज कोई अहमियत नहीं है, आज अहमियत गिलगित की है इंडिया के लिए। सेंट्रल एशिया के साथ अगर ज़मीनी ताल्लुक है तो गिलगित की वजह से है, अफगानिस्तान के साथ ज़मीनी ताल्लुक गिलगित की वजह से है, ठीक है। कश्मीर वैली को बाईपास करके हिमाचल से लद्दाख, लद्दाख से गिलगित से आप कहीं भी जा सकते हैं, वैली की कोई अहमियत नहीं है। वैली की पहले भी कभी कोई अहमियत नहीं थी। मैं वैली को हमेशा ये कहता हूं कि ये ताफुन ज़दा नजरियात का गटर है, ये वैली जो है स्ट्रांग लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे आप। बहुत स्ट्रांग लफ्ज है और है ऐसा वहां के जो है ना, यानी कि इतना ताफुन है वहां पे, स्टेगनेंट सोसाइटी है वहां की। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं थी, चूंकि श्रीनगर में बादशाह का तख्त था, इस वजह से समझा यह जाता था कि वैली के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत है, तो मेरे ख्याल में इंडिया आज जो है उस तरीके से शायद ना सोचे जिस तरह 70 और 80 की दिहाई में सोचता था। आज अगर पाकिस्तान कह भी दे कि जी यूनिलैटरली मैं एलओसी को बॉर्डर मानता हूं और गिलगित को अपना सूबा बनाऊंगा, तो इंडिया बोल सकता है कि भैया आप सूबा बनाए जो मर्जी बनाए, हम तो अपना क्लेम जारी रखेंगे और जिस दिन आपसे हम ले सकेंगे ले लेंगे। अच्छा मैं थोड़ा एंड जा रहे हैं, देखिए आपने तो क्लियर कह दिया, आपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए वेदर समबडी लाइक्स और डिसलाइक्स, ठीक है जी। अगर ये इलेक्शन होते हैं ये विल यू बी अ कैंडिडेट, इलेक्शन कहां होते हैं? कश्मीरी असेंबली के? हाँ, नहीं लोकसभा के? लोकसभा में अगर इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए, ये तो पिछले 20 साल से हम कह रहे हैं। मैंने इतने आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर, आज से 10 साल पुराने मेरे आर्टिकल आप पढ़ लें। तो लोकसभा में मेंबरशिप दी जाए, राज्यसभा में दी जाए। उस वक्त तो जाहिर है हम जम्मू कश्मीर का थे, रियासत का हिस्सा थे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो जो 24 सीटें हैं उसमें भी हम अपना हिस्सा मांगते थे। फिर हमारे गिलगित के आज भी जो लीडर है मंजूर परवाना, दूसरे लोगों को कहते हैं कि इंडिया में जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें लोगों को जो है ना सीटें दी जाएं। तो मैं हम इंडिया से तो अपना बहैसियत शहरी के पूरा हक मांगते हैं, ये कोई भीख नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है, यह हमारा इनएलिनेबल राइट है जो किसी भी शहरी का होता है। कि आज अगर एक बंदा जो है ना उड़ीसा से या महाराष्ट्र से बैठा हुआ है वहां असेंबली में, तो ये हमारे पर एहसान नहीं है, ये तो हमारा हक है जो 70 साल से हमें नहीं दिया गया, और ये यकीनन ये हक हमें देना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके के हर आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, आपने जो जा रहा है कि आपने आपको अलहदा कर लिया है जम्मू कश्मीर से, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि स्टिल यू 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 ऑफ कोर्स यू रिगार्ड योर सेल्फ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जम्मू कश्मीर में जो इसको जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ आफ्टर 5 अगस्त जो आ, तो उसमें खासतौर पर कश्मीर वैली में जहाद अभी भी जारी है और कुछ लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा को या यूनाइट करेंगे और जिन दूसरे उसमें में जहाज की बात कर रही हूँ। इस जमन में जो आपने आप पहले कुछ बात कही थी, तो जो पीडीपी का एक लीडर है वो तो क्लियर कह रहा है कि वो कहता है कि क्या नाम है उसका जी, नईम अख्तर साहब जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं पीडीपी गवर्नमेंट में, वो तो कहते हैं कि साउथ एशियन उम्मा जो है ना वो जन्म ले रही है। एक तो मुस्लिम उम्मा थी ना, वो कहता है अब साउथ एशियन उम्मा जो है ना जन्म ले रही है बिकॉज ऑफ 5 अगस्त 2019 की वजह से। वो कहते हैं कि हमें हम पर ये इसलिए हमला हुआ है कि हम मुसलमान हैं। व्हाट डू यू से टू दैट? वो बल्कि कह रहा है कि बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल रहा है, अफगानिस्तानी भी मिल रहे हैं, पाकिस्तानी भी, हम सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मजहब के नाम पर ये कार है। देखिए जनाब, कश्मीरी जो हैं, ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता जब लोग कहते हैं कि सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। ये पहले दिन से ही इस्लामिज्म के नाम पर इन्होंने अपनी तहरीक जारी रखी है, और इस्लाम के नाम पर अभी देखें ना, मसलन आप कभी यासीन मलिक को सुने, वो कहेगा कि हम एक मुल्क बनाएंगे जो सेकुलर होगा, तो भी सेकुलर ही रखना था तो फिर नेहरू के साथ ही शामिल रहते।
कश्मीर इंडिया से अलग होने की जरूरत, इंडिया तो पाकिस्तान और इंडिया की जो पहचान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम बना, इंडिया सेकुलरिज्म के नाम बना। तो कश्मीर को जब इंडिया से अलग बात करने कहते हैं, वो सिर्फ मजहब की वजह से होता है, ये कोई सेकुलरिज्म के मानने वाले लोग नहीं, ये अंदर से कट्टर मुसलमान है। इन्होंने आज तक कभी किसी हिंदू को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया है, किसी हिंदू को। लेकिन ये कहते हैं इंडिया में 15% मुसलमान है, वहां सदर वजीर आजम मुसलमान होना चाहिए। यहां पर 35% हिंदू हैं, 2% बुद्धिस्ट हैं। इन्होंने आज तक किसी को अहम ओहदा नहीं दिया है, हिंदू को या बुद्धिस्ट को। 11 यूनिवर्सिटियां इनको मिली, इन्होंने 9 यूनिवर्सिटियां अपने मुसलमान इलाके में रखी, 2 जम्मू को दी, लद्दाख को आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं दी इन्होंने। ये मुकम्मल इस्लाम की सियासत पहले दिन से चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जी जम्मू कश्मीर जो है वो कश्मीरियत है और जो है ना इंसानियत है, ये सब ड्रामेबाजी है। ये पहले दिन से ही इस्लाम के नाम पे सियासत इन्होंने रखी हुई है और इंडिया को आंखें भी ये दिखाते हैं इस्लाम के नाम पर। तो ये नईम साहब जो कहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। आप मसलन जब फारूक अब्दुल्ला नाराज होता है, आप उसके बयान पकड़ पढ़ लें, वो ऐसा लगेगा जैसे जमात इस्लामी का आदमी है। फिर उनके आगे थोड़ी हड्डी डाल देंगे तो वो सेक्युलर बन जाएंगे। मुफ्ती साहिबा जो हैं, या मुफ्ती साहिबा के जो वालिद थे, वो भी इस्लाम की बात करते थे जब वो नाराज होते थे। ये सब ये देखते हैं कि दिल्ली से कितने पैसे मिल रहे हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं चुप कर जाते हैं। इनकी सियासत शुरू से ये रही है कि अगर हमने इंडिया के से कुछ लेते रहना है तो हमने इस्लाम की सियासत करनी है। तो ये तो यानी इन्होंने मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बनाए हुए, कोई हुर्रियत, कोई ये नाम, कोई वो नाम, जमात इस्लामी नाम, अली गिलानी नाम, अंदर से ये सब के सब एक पेज पर हैं। दूसरे तो ये मुस्लिम नेशनलिज्म है और मजहबी कार्ड यूज कर रहे हैं टू बिल्कुल, फर्दर यस और कोई वजह ही नहीं थी कि ये बोले कि हमने इंडिया में शामिल नहीं होना। जब जब यानी महाराजा एक्सेशन कर देता है तो उसके बाद बगावतें शुरू हो जाती हैं कि इंडिया से एक्सेशन की वजह से बगावत क्यों हो रही है, क्योंकि वो हिंदू रियासत है, उसके साथ बगावत हो रही है, यही बात हुई। इस्लाम के नाम पे तो इनकी सियासत पहले दिन से रही है, वो बेशक हथियार के जरिए रही हो या जबान और कलम के जरिए रही हो, ये हमेशा इस्लाम की सियासत करते हैं। इनमें से कोई भी जेन्युइन सेक्युलर नहीं है। आप यानी किसी सूरत भी इनकी जो पॉलिसी है 70 साल की, उससे साबित नहीं कर सकते कि ये हिंदू मुसलमान को बराबर समझते हैं। तो ये तो खैर यानी नईम साहब जो कह रहे हैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो उनका हर लीडर उस वक्त कहता है जब उन्होंने थोड़े से जो है ना जेब में पैसे डालने होते हैं। अच्छा ये बताएं कि मैंने जैसे पहले क्या टूवर्ड्स एंड जा रहे हैं एजेंडा का पता नहीं चलता चला गया आप 2 घंटे कर लें जनाब, हमारे लिए क्या है। नहीं, ज्यादा कोई इतना लंबा हो वो भी ठीक नहीं था उस दोबारा आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये था कि आपकी एक एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बहुत से मुद्दों पर आपका तर्क वास्ता है, तो जो गिलगित बल्तिस्तान में आपके भाई हैं जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के लिए जो उस वक्त अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन हैं, उनके मसाइल हैं, मुश्किल हैं, उनके लिए वो आप तो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं हम 5वां सूबा है, आप कह रहे हैं कि वो ऑक्यूपेशन में है। अच्छा, नहीं आपको क्या समझते हैं जो 5वां सूबा या अंडर ऑक्यूपेशन है? नहीं, सूबा कैसे बन सकते जब पहले दिन से वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बस ये बात देखे ना, ये कभी कभी ऐसा होता है। ये जवाब देकर ये दे दें प्लीज, इनका टाइम खत्म हो जाए ना, कि आप उनके लिए क्या पैगाम दे रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम, व्हाट टू डू? देखिए, मेरा पैगाम तो यही है कि जो कौमें हकीकत पसंदी से इज्तनाब करती हैं वो सिर्फ इस्तेमाल होती हैं। उनकी ज़मीनें कोई और खा जाता है, उनकी आइडेंटिटी कोई और हाईजैक कर लेता है, वो जो हैं इज्जत नफ्स से आरी रहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पिछले 70 सालों में जिस तरह उसकी हालत की गई है पाकिस्तान में, इनको हकीकत पसंदी अपनानी चाहिए, इनको कानून का सहारा लेना चाहिए। इनको पता है, गिलगित बल्तिस्तान वालों को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता है, जो भी इस वक्त नेशनलिज्म में इन्वॉल्व है इनको पता है कि थर्ड ऑप्शन की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ना ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में है, ना ही यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में है, किसी चीज में नहीं है। इन लोगों ने एक बबल क्रिएट किया हुआ है और उस बबल में ये रह रहे हैं अपने ख्वाबों की दुनिया में,
और वक्त पास कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है ना हमारी ज़मीनें छिन गई, हमारी शनाख्त ख़त्म हो गई, हमारे लोग वहाँ मज़हब के नाम पे कत्ल हो गए। आज तक 70 साल तक देखें हमारी ज़बानों को स्कूलों में पढ़ाने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर, ये तो हाल हमारा किया हुआ उन्होंने। क्या प्रश्न तो की जाती है? इनको क्या हकीकत पसंद, प्रश्न जरा रुकिए, तब सुन जाए, क्लियर हो जाए बात। क्या प्रश्न की जाती नहीं है? देखिए ना पाकिस्तान में आपको पता है कि उर्दू जो है वो सरकारी ज़बान है, और कुछ सूबे हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, तो फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल तक उनकी अपनी ज़बान को पढ़ाने दिया गया, जैसे पश्तून है, या सिंधियों को मैट्रिक तक पढ़ाने दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 ज़बानें हैं, प्राइमरी स्कूल में उनको पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। हमें सिर्फ जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, यानी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड भी नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं आज भी 70 साल के बाद। हमें यह बताया जाता है रंजीत सिंह ने क्या किया, हमें यह बताया जाता है तुगलक ने क्या किया, लोधी ने क्या किया। हमें अपने हीरोज का और अपने हालात का और अपने इसका, उससे लोगों को जो है ना वो बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है। तो जब आप अपने आप को बिल्कुल किसी और के हवाले कर देते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को, अपनी शनाख्त को, और एक बबल में रहना शुरू कर देते हैं, अजीब से जो है ना खुद ही एक तख्लीक करते हैं नजरियात, जैसे बलोरिस्तान है, अपनी तरफ से कुछ तख्लीक कर दी, कोई एक नक्शा बना दिया, कुछ मुल्क का नक्शा दे दिया, और 30 30 साल तक फिर उसमें फंसे रहे, ना दुनिया में उसकी कोई जो है ना रिकग्निशन है, ना दुनिया में किसी को उसका पता है। तो कहने का मकसद है इनको जो है ना इस बबल से निकलना पड़ेगा। रियासत जम्मू कश्मीर एक हकीकत है, उसके हिसाब से जिस तरीके से हम स्टेक होल्डर हैं वो हकीकत है, इंडिया का आईन एक हकीकत है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक हकीकत है। ये सारी उनको समझनी पड़ेगी कि उनकी असल कानूनी हैसियत क्या है। जब तक वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे मिनहासल कौम, वो किसी भी एक जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी 70 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में छोटे छोटे ग्रुप डिवाइडेड हैं, हर कोई जो है ना वो अपनी एक अलग सी तान लेकर बैठा हुआ है। जाहिर है उसको ISI को फायदा होता है, ISI भी ये चाहती है कि लोग डिवाइडेड रहें। नक्शल में बताएं कि आपने पूरा एक नक्शा खींच लिया, अभी क्या क्या सूचता है वहाँ पर, तो मतलब वो क्या करें भाई, लिव इन रियल लाइफ, देखें भी जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो जो आप कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलें तो रियल। फैंटेसी से निकल आए ये बलोरिस्तान और ये काराकरम और ये इस तरह के जो ममालिक की इन्होंने ये शुरू किए हैं, ये ख़त्म करें। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनके हैसियत है, देखें ना दो दो हैं, एक तो आपको एक प्रोविजनल सेटअप चाहिए जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता है पाकिस्तान के साथ, राइट। उस प्रोविजनल सेटअप में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो AJK को मिला है आप उसको एक्सेप्ट करें, आपका अपना एक प्रोविजनल सिस्टम हो। उसके बारे में आप क्या कहते बिल्कुल हैं? इकट्ठे रहे हैं, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं आप लोगों को अपना अपना आपको आप लोगों का हिस्सा मानता हूँ। तो पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाके हैं उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाए, और 50-50 की बुनियाद पर, यानी 50-50 की बुनियाद पर होना चाहिए हर चीज़ तकसीम। ये नहीं होना चाहिए कि जी गिलगित की आबादी कम है उसको कम मिलेगा, नहीं, चूंकि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आप लोगों की नहीं है, आपकी आबादी थोड़ी ज़्यादा है, 10 लाख ज़्यादा होगी, 15 लाख ज़्यादा होगी, लेकिन 50-50 की बुनियाद पर हर चीज़ तकसीम करके आप लोगों के साथ जोड़ दिया जाए, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। तो फिलहाल तो लोगों को किसी हद तक एक प्रोविजनल सेटअप की डिमांड करनी चाहिए, एक वो गुब्बारे से निकल के, बबल से निकल के। उसके बाद इंडिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं और वो क्या हैं, वो आगे, यानी कि अभी तो प्राइमरी लेवल पे हम चल रहे हैं गिलगित में जो पॉलिटिक्स है हमारी, यानी उसके बाद अगले जो स्टेजेस आते हैं वो तो बात की बात है। चलिए ठीक है जनाब, आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, जा रहे भी बहुत सी बातें अच्छी होंगी, ये तो आप पर भी बहुत होगी, मुझ पर भी बहुत होगी, ठीक है, लेकिन ये लेकिन इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी द लास्ट टाइम, थैंक यू। तो हम चल लोग चलता, ये तो बातें हैं चलती रहती हैं। करती रहेंगी, मतलब आपको पूरा घंटा हो गया हमें बातें करते हुए, बड़ी जो मेहरबानी, बातें आपने की हैं वो बड़ी क्लैरिटी से की हैं। अगेन यू हैव योर राइट टू से व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट यू वांट टू बिलीव, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, और आपने अपने नज़रियात के मुखालिफ जो बातें मुझसे सुनी उसको बड़ा खमदा पेशानी से आपने सुना, और मुझे मुकम्मल मौका दिया बात करने का, और ये बहुत बड़ी जो है ना एक मेच्योरिटी की निशानी है।
तो मैं हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह के हमारे जो डिस्कशंस हैं वो मुस्तकबिल में होते रहें। मैं ऐसे में कई जगहों पर आपको टोक सकता था और कहते हैं कंट्रोल नैरेटिव दे सकता था, फिर मैं समझता था ये ना हो भाई आपस में बात तलखी हो जाए या कोई ऐसी बात भी चाहिए ना कि ये मच्योर लोग हैं और आपस में उलझ पड़े हैं। मैंने बिल्कुल सही बात है। सोचा इस बात पर जाए कि मेरा काम है सवाल करना और पॉइंट उठाना, आपको मतलब है कुछ गुजरात करेंगे, इट वॉज योर शो, आपने उसको अच्छे तरीके से बात की है बहुत शुक्रिया आपका, आपने और मुझे बहुत अच्छा जो है ना आई मौका थिंक दिया। इंशाल्लाह और बीइंग वेल हो सकता है सितंबर में जिनेवा में मुलाकात करें, इंशाल्लाह, बहुत नहीं बहुत ना हुआ शुक्रिया तो सर। ऐसे बात कर लेंगे। तो नाइस वैसे रब्ता टॉकिंग, रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ और मैं अमजीत से बात करूंगा थैंक यू, फिर। ऑल द हैव अ बेस्ट, गुड नाइट सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।